हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द एलिवेटर, रिटन बाय विलियम स्लेटर। सो ये कहानी शुरू होती है 12 साल के लड़के से। इसका नाम है मार्टिन और ये बहुत ज़्यादा डरपोक लड़का है। छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हाल ही में मार्टिन और इसके फादर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी होती है और मार्टिन को ना इस बिल्डिंग में जो लिफ्ट है उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है जाने में आने में। क्यों? क्योंकि इस लिफ्ट में उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और इस लिफ्ट में लाइट भी कम होती है और ये लिफ्ट कभी फोर्थ फ्लोर में कभी थर्ड फ्लोर में रुक जाती है। तो मार्टिन इस लिफ्ट से बहुत ज़्यादा घबराता है, बहुत ज़्यादा डरता है। अब मार्टिन के फादर जान जाते हैं तो वो मार्टिन को बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम कायर हो, तुम मैच्योर हो जाओ, बड़े हो जाओ और लिफ्ट की आदत डाल लो। अब अगले दिन क्या होता है, जब मार्टिन स्कूल से अपने घर की ओर आता है तो वो ठान लेता है कि मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो स्टेयर से जाऊंगा। और मार्टिन 17 फ्लोर में रहता है। अब मार्टिन स्टेयर्स की ओर जाता है और वहाँ पर अंधेरा भी होता है, ज़्यादा रोशनी नहीं होती। वहाँ पर भी उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुनसान होता है। ठीक, जहाँ पे स्टेयर्स था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनसान था। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा हाँपने लगता है, इतना हाँपता है, बहुत ज़्यादा हाँप जाता है। जैसे वो 17 फ्लोर में पहुँचता है, फाइनली अपने घर के अंदर आता है, सो उसके फादर उसको बहुत डांटते हैं, बोलते हैं तुम कायर हो, डरपोक हो, तुम लिफ्ट से क्यों नहीं आते हो, क्या तुम्हें डर लगता है क्या, लिफ्ट की आदत कब डालोगे तुम। अब मार्टिन ये सारी बातें सुनता है और वो ठान लेता है कि ठीक है, मैं कल लिफ्ट से ही जाऊंगा। अब क्या होता है अगले दिन, अब बहुत डरते हुए कांपते हुए मार्टिन जाता है लिफ्ट में। ठीक है, तभी क्या होता है कि 14 फ्लोर में वो लिफ्ट रुक जाती है और वहाँ पर एक मोटी सी औरत होती है जिसने बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का लंबा सा कोट पहना होता है और बहुत मोटी होती है, उसके बाल भी कर्ली कर्ली होते हैं, उसकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, ब्लू कलर की होती है और मुंह बहुत ज़्यादा मोटा होता है। वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर आती है तो पूरी लिफ्ट भर जाती है क्योंकि लिफ्ट बहुत छोटी है। ठीक, एंड मार्टिन जो है वो सिकुड़ जाता है, उसको बिल्कुल जगह नहीं मिलती और वो जो मोटी औरत है ना उसका जो कोट था वो मार्टिन से ऐसे रगड़ खाता है। बेचारा मार्टिन वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है। अब जब लिफ्ट बंद होती है और जब वो लिफ्ट चलने लगती है तो पूरे टाइम वो मोटी औरत मार्टिन को देखती रहती है, घूरती रहती है क्योंकि मार्टिन को पसंद नहीं, सबसे पहली बात तो उसको पसंद नहीं है लिफ्ट में आना जाना क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता लोगों के बीच में खड़े होकर वो नीचे फ्लोर में जाए या 17 फ्लोर में जाए, उसको बिल्कुल पसंद नहीं। और उसको ये भी पसंद नहीं है कि लोग उसको देखें या और लोग औरों को देखें। अब ये मोटी औरत उसको देखी जा रही। अब मार्टिन ना अपनी आंखों को इधर उधर घुमाता है, थोड़ा सा परेशान होता है और फिर मन ही मन सोचता है देखूं कि अभी भी देख रही है क्या मुझे वो। जब वो अपनी नज़रें उठा के उसको देखता है तो हाँ, वो तो उसको घूर ही रही थी। अब फाइनली फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। मार्टिन वहाँ से इतनी ज़ोर से भागता है, बहुत ज़ोर से भाग जाता है। मार्टिन के हाथ में स्कूल का बैग होता है और वो स्कूल जाता है भागते हुए। जैसे वो लिफ्ट से निकलता है और वो स्कूल की तरफ भाग जाता है। पूरा दिन स्कूल में वो यही सोचता रहता है उस मोटी लेडी के बारे में कि हमने तो कभी अपनी बिल्डिंग में इस मोटी औरत को तो देखा ही नहीं है, और वो मुझे क्यों घूर रही थी। वो ऐसे ही सोचता रहता है स्कूल में पूरा टाइम। फिर वो सोचता है कि अगर ये हमारी बिल्डिंग में रहती है तो कभी भी किसी से भी इसकी मुलाकात नहीं हुई और हमारी बिल्डिंग में तो कोई भी इस लेडी के बारे में नहीं जानता है। हाँ, हो सकता है कि ये लेडी किसी से मिलने आई होगी, पर 7:30 बजे ये किसी से मिलने आई होगी, मुझे नहीं पता। पर ये लेडी कौन थी और मुझे ऐसा क्यों देख रही थी घूर घूर के। अब क्या होता है कि स्कूल फिनिश होता है, ये फिर से जाता है, नर्वस हो जाता है, ओह माय गुडनेस, फिर से मुझे लिफ्ट में जाना पड़ेगा। अब वो जाता है लिफ्ट में एंड
थर्ड फ्लोर में फिर से ये लिफ्ट रुक जाती है और वो क्या देखता है कि एक लेडी है जिसने लॉन्ग कोट पहना है ग्रीन कलर का और बहुत ज़्यादा मोटी है। जी हाँ, ये वही लेडी है जो इसको पहले मिली थी, जो वो घूर रही थी इसको, मार्टिन को। अब मार्टिन और ज़्यादा नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब ये जब लेडी अंदर आती है लिफ्ट के, तो ये लेडी अपने मोटे मोटे हाथों से 18th फ्लोर की बटन को दबा देती है, एकदम टॉप बिल्डिंग में जो टॉप जगह है। अब मार्टिन सोचता है कि इसने 18th फ्लोर क्यों दबाया बटन, ये तो सुबह 14th फ्लोर से आई थी। अब क्या होता है कि लिफ्ट चलती है तो मार्टिन सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं 7th फ्लोर में रुक जाऊं, वहां से मैं स्टेयर से चला जाऊंगा ऊपर। मार्टिन ट्राई तो करता है पर लिफ्ट इतनी ज़्यादा भरी होती है उस मोटी लेडी के कारण कि बेचारा मार्टिन सुकड़ के खड़ा होता है और उसका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, शाम को मार्टिन अपने फादर से बड़ी हिम्मत करके पूछता है कि आपने किसी मोटी लेडी को देखा है जो बहुत लॉन्ग कोट पहनती है ग्रीन कलर का और ऐसे ऐसे वो दिखती है। सो मार्टिन के फादर उस टाइम टीवी देख रहे होते हैं तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो मार्टिन ना बड़ा परेशान हो जाता है, तो उसके फादर तो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई बात है, तभी तो ये मेरे से पूछ रहा था। उसके फादर दो बार बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, अब तुमको क्या चिंता सताने लगी, अब तुमको डर लग रहा है क्या, मैं तुम्हारा क्या करूं मार्टिन। ये सारी बातें सुन के ना मार्टिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ नहीं रोऊंगा, अपने रूम में जाके रोऊंगा, पर रोऊंगा ज़रूर। वो अपने कमरे में जाता है और खूब रोता है। अगले दिन क्या होता है, मार्टिन लिफ्ट में जाता है और वही लेडी मार्टिन का वेट कर रही होती है। जब वो लेडी आती है फिर से लिफ्ट में, वो मार्टिन को देखने लगती है और देखते देखते वो स्माइल करती है, सिर्फ वो स्माइल करती है। अब क्या होता है कि मार्टिन डर जाता है, घबरा जाता है। वो अगले दिन सोचता है, ठान लेता है कि अब मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगा, अब मैं स्टेयर से ही जाऊंगा, सीढ़ियों से ही जाऊंगा। अब सीढ़ियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, ठीक, और बहुत ज़्यादा सुनसान होता है, कोई नहीं होता, और आसपास की दीवारें भी बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। वो क्या करता है, वो भागता है वहाँ से, ठीक। सीढ़ी जब उतरता है तो बहुत तेज़ी से उतरता है, जिसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, वो गिर जाता है और मार्टिन को लग जाती है उसके पैर में, उसका पैर टूट जाता है। उसके फादर आते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके फादर उसको कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा जो बेटा है मार्टिन, वो एक कायर है, डरपोक किस्म का है, इसलिए वो मार्टिन को कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि ये डरपोक है। मार्टिन जब हॉस्पिटल में होता है तो वो यही सोचता है, अच्छा तभी ये लेडी मुझे देख के हंस रही थी, मानो इसको पता था कि मैं गिरने वाला हूँ और मेरी टांग टूटने वाली है। अब क्या, मार्टिन के ना पैर में बैंडेज उन लोग बांध देते हैं एंड उसको स्टिक देते हैं चलने के लिए। अब मार्टिन के साथ उसके फादर भी थे। अब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। अब मार्टिन को सुकून था, चलो अच्छी बात है कि मेरे फादर मेरे साथ हैं, अब इस लिफ्ट में कोई आ नहीं सकता क्योंकि लिफ्ट तो छोटी है, अब मेरे फादर मेरे साथ में हैं, अगर वो लेडी आएगी भी तो मेरे फादर उसको देख भी लेंगे कि मैं किस लेडी के बारे में उनसे बात कर रहा था। और मार्टिन बहुत ज़्यादा अब रिलैक्स फील कर रहा था। अब वो सोच रहा था कि चलो अच्छी बात है, कम से कम अब मैं अपने रूम में रेस्ट तो करूँगा शांति से। तभी क्या होता है, मार्टिन के फादर जो उनके बगल में खड़े होते हैं वो बोलते हैं, ओहो शिट। तो मार्टिन पूछता है क्या हो गया, वो बोलते हैं कि मुझे तो मिसेस उलमेन से मिलना था, मैंने उनको प्रॉमिस किया था। अब वो 9th फ्लोर आता है और वो निकल जाते हैं, लिफ्ट से बाहर हो जाते हैं। तो मार्टिन बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, प्लीज़ मुझे साथ ले चलें, मुझे भी उनसे मिलना है। तो मार्टिन के फादर बोलते हैं, मार्टिन अब तुम बड़े हो जाओ, क्यों तुम्हें डर लग रहा है अकेले जाने में, तुम बड़े हो जाओ। और मार्टिन बहुत कोशिश करता है कि वो लिफ्ट के दरवाज़ा जो है वो थोड़ी देर खुला रहे और मैं बाहर निकलूँ, पर ऐसा नहीं होता, वो बहुत
जल्दी से बंद हो जाता है। अब क्या होता है, 10th फ्लोर में फिर से ये लिफ्ट रुकती है और वो मोटी लेडी फिर से वो लिफ्ट में आती है। अब ये मोटी लेडी मार्टिन से बोलती है, हेलो मार्टिन, और स्माइल करती है और स्टॉप का बटन प्रेस कर देती है। सो यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। अब ये ऑथर ने ये डिस्क्राइब नहीं किया कि ये लेडी कौन थी और आगे मार्टिन और उस लेडी का क्या हुआ। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको स्टोरी समझ में आई, अच्छी लगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।